मूवी शॉर्टकट टू हैप्पीनेस एक स्ट्रगलिंग राइटर जॉबस के बारे में है जो अपनी ड्रीम्स पूरी करने के चक्कर में उल्टा मसलों में फंस जाता है। जॉबस बुरी लक होने के बावजूद भी हार नहीं मानता और अभी तक अपने पैशन यानी राइटिंग को फॉलो कर रहा है। वो अपना न्यू नॉवल टाउन के बेस्ट एडिटर डेनियल को भेजता है। पैसे कमाने के लिए जॉबस एक कपड़ों की शॉप में काम करता है, जहां एक ओल्ड मैन को अपने पैसों से टाई खरीद के देने पर जॉबस का बॉस उसे जॉब से निकाल देता है। जॉबस कोई भी तमाशा किए बगैर वहाँ से निकल जाता है। उसे ये सब करते एक खूबसूरत लड़की देख लेती है और काफी इम्प्रेस होती है। जॉबस डिनर पर अपने सक्सेसफुल ब्रदर से मिलता है, क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट तैयार करना है। उसका ब्रदर उन्हें वर्ल्ड टूर पे भेज रहा है। उसे जॉबस की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, मगर जॉबस इंसिस्ट करता है कि वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता है और जोश में आके उसे काफी बड़ी अमाउंट का चेक लिख के दे देता है। नेक्स्ट डे जॉबस डेनियल के ऑफिस आता है। डेनियल तो रॉबर्ट नामी राइटर का इंतजार कर रहा था। जॉबस इस बात का फायदा उठा के खुद रॉबर्ट बनने का ड्रामा करता है। सच सामने आने पर डेनियल के वर्कर्स उसे ऑफिस से निकाल रहे होते हैं, मगर जॉबस उसे कुछ वक्त देने के लिए कन्विंस कर लेता है। डेनियल ने जॉबस की बुक पढ़ी थी, मगर उसे वो पसंद नहीं आती। जॉबस उसे बताता है कि वो एक और बुक लिख रहा है जो पहली वाली से भी बेहतर है। वो डेनियल के साथ अपनी बुक डिस्कस करना चाहता है, मगर डेनियल उसे वहाँ से निकाल देता है। जॉबस को उसके ऑफिस में एक टेल नजर आती है जो उसे बहुत अट्रैक्ट करती है। इससे बुरा जॉबस के साथ ये होता है कि जब वो अपने फ्रेंड से मिलता है तो उसे पता चलता है उसके दोस्त जूलियस की न सिर्फ बुक पब्लिश हो रही है बल्कि उसे नेक्स्ट 3 बुक्स का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया है। वो बेचारा इस सदमे से निकला नहीं था कि उसे पता चलता है उसके ब्रदर ने चेक कैश करवा लिया है और अब उसकी जेब खाली है। अब सोचने वाली बात थी कि इससे बुरा क्या होगा। तभी कुछ लड़के जॉबस पे अटैक करते उसे न सिर्फ मारते हैं बल्कि उसका लैपटॉप भी छीन लेते हैं जिसमें उसकी बुक थी। घर आके डिसहार्ट हुआ जॉबस सोचता है कि वो जूलियस के साथ अपनी लाइफ चेंज करने के लिए अपनी सोल तक बेचने को तैयार है। उसे क्या पता था कि ये अल्फाज ईविल फोर्सेस को उसके घर तक ले आएंगे। जॉबस अपना टाइपराइटर निकालता है और उस पर $190,000 टाइप करता रहता है। अचानक टाइपराइटर खराब होने पर वो उसे उठाकर दूर फेंकता है। टाइपराइटर विंडो तोड़ते हुए नीचे गिर जाता है और एक ओल्ड लेडी के सर पर लगता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। उसका हस्बैंड हेल्प के लिए चीखता रहता है पर देख लेता है कि किस विंडो से टाइपराइटर फेंका गया है। जॉबस बहुत घबरा जाता है। तभी एकदम डोरबेल बजती है। जॉबस को लगता है कि अब उसकी सारी जिंदगी जेल में गुजरेगी, पर गेट खोलने पर उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की नजर आती है। जॉबस अपनी परेशानी में उससे इंट्रोडक्शन लेता ही नहीं, बस यही बोलता रहता है कि लॉयर को कॉल करे या पुलिस को। इतने में पुलिस खुद जॉबस के डोर पर आती है। वो लड़की जॉबस को छुपने का कहती है और खुद डोर आंसर करती है। वो पुलिस को भेजने के बाद जॉबस को निकलने का कहती है। जॉबस फाइनली उससे पूछता है कि वो है कौन। लड़की जवाब में कहती है कि जॉबस नहीं तो उसे बुलाया है। जब उसने ये कहा कि वो जूलियस के साथ अपनी लाइफ बदलने के लिए अपनी सोल भी सेल कर सकता है, वो पूछती है कि जॉबस सबसे ज्यादा किस चीज की ख्वाहिश करता है, तारीफ, इज्जत या तरक्की। जॉबस सबसे ज्यादा तरक्की की ख्वाहिश करता है। वो उससे डील करती है कि वो उसकी विश पूरी कर सकती है। 10 ईयर्स वो अपनी न्यू लाइफ एंजॉय कर सकता है और फिर वो जॉबस से वो ले लेगी जो उसका है। जॉबस उससे पूछता है कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद उसका क्या होगा, तो वो डेविल ये कहती है कि इस सिचुएशन से ज्यादा बुरा तो नहीं हो सकता। जॉबस उस ओल्ड वुमन से डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है जिसको उसने मार दिया। डेविल उसे विंडो से बाहर देखने के लिए कहती है तो उसे ओल्ड वुमन जिंदा नजर आती है। जॉबस को उस ब्यूटीफुल स्ट्रेंजर की पावर समझ आने लगती है और वो उससे डील कर लेता है। कॉन्ट्रैक्ट सील करने के लिए डेविल उसे किस करती है। सुबह जॉबस बेड में डेविल के साथ उठता है। वो उसकी बैक पे एक सर्कुलर सा स्कार देखता है। उसे टच करने पर डेविल नाराज होती है। अब जॉबस को अंदाजा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट काम करने लग गया है, क्योंकि वो अपनी पुरानी लाइफ में कभी भी इतनी हॉट लड़की को डेट नहीं कर सकता था। जॉबस नोटिस करता है कि उसके कपड़ों में से बहुत से पैसे निकल रहे हैं। जॉबस को वेबस्टर बुक्स पब्लिशर हाउस से लेटर भी रिसीव होता है। एक दफा दोबारा पढ़ने पर उन्हें उसकी बुक बहुत पसंद आती है और वो अब उसे पब्लिश करना चाहते हैं। जॉबस बाहर निकलता है तो लेडीज उससे बहुत
अट्रैक्ट होती हैं। वेबस्टर बुक्स में भी उसे काफी रिस्पेक्ट मिलती है। जब इसकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाती है, लोग उसे पसंद करने लगे थे। हर चीज जैसे वो चाहता था बिल्कुल वैसे ही चल रही थी। नॉवल का कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जाबिस एक बड़े से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है, लेडीज में पॉपुलर हो जाता है। वो जहाँ जाता है अटेंशन हासिल कर लेता है। एक दिन अपनी फ्रेंड्स की गैदरिंग में उसे पता चलता है कि जूलियस पे अपनी बुक के कुछ पैसेजेस कॉपी करने का इल्जाम है। जूलियस की ऐसी कोई इंटेंशन तो नहीं होती, मगर वो वर्ड बाय वर्ड किसी नाजी ऑथर को कॉपी कर चुका है। यही वजह है कि वेबस्टर बुक्स उसे दिए हुए एडवांस वापस मांग लेते हैं, जिसके बाद जाबिस की बुक का टाइटल लॉस ऑफ फीलिंग रख दिया जाता है। जाबिस के लिए एक पार्टी रखी जाती है। डेविल भी उस पार्टी में आती है और जाबिस उससे बात करता है। उसे ये न्यू चेंजिंग अच्छी लगती है, मगर वो जूलियस के लिए परेशान होता है। डेविल कहती है कि एक पर्सन की कामयाबी के लिए दूसरे का डाउनफॉल जरूरी है। जाबिस को हिंट मिल जाता है कि ये डेविल का ही किया है और वो इससे अग्री नहीं करता। उसने कभी नहीं चाहा कि उसकी वजह से जूलियस हार्म हो। डेविल ये कहते हुए चली जाती है कि जाबिस बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग इंसान नहीं है। जूलियस ड्रंक हालत में जाबिस को अपनी बुक स्टील करने का इल्जाम देता है, जबकि जाबिस ने उसकी बुक कभी देखी भी नहीं होती। लेकिन जूलियस कहता है कि जाबिस ने उसका टाइटल चोरी किया है और जूलियस जाबिस को पंच करता है, जिसके बाद जूलियस पार्टी से बाहर आ जाता है जहां टैक्सी रुकवाता है, पर वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर जूलियस को हिट कर देती है, जिसकी वजह से वहीं जूलियस की डेथ हो जाती है। इसीलिए क्योंकि डेविल को हर चीज परफेक्ट चाहिए और जूलियस उसकी परफेक्शन खराब कर रहा था। कुछ अरसे में जाबिस एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बन जाता है। क्रिटिक्स के वर्स्ट रिव्यूज के बावजूद उसकी बुक सेल होती रहती है और वो अमीर होता रहता है। उसकी राइटिंग की तारीफ नहीं की जाती, ना ही लोगों पर वो कुछ खास असर करती है, फिर भी उसकी ऑडियंस बढ़ती रहती है। जो उसे चाहिए था उसे वो सब मिल जाता है, मगर वो कुछ महसूस नहीं करता। जाबिस और नॉवेल्स भी रिलीज करता है, पर उसका नॉवेल पहले वाले से भी बुरा होता है। एक दिन उसका फ्रेंड माइक उसे कॉल करता है, जिससे वो कई महीनों से नहीं मिला होता। वो जाबिस से मिलना चाहता है, मगर जाबिस का स्केड्यूल बिल्कुल पैक्ड होता है। असल में माइक उसे अपनी बुक दिखाना चाहता है। जाबिस उसे अपने अपार्टमेंट बुला लेता है। जाबिस एक बीच हाउस देखने जाता है और बीच पर उसे डेविल चलती नजर आती है। वो भाग कर उसके पास जाता है। जाबिस और टाइम मांगता है। वो अभी बहुत कुछ लिखना चाहता है, मगर वक्त उसके लिए बहुत तेजी से गुजर रहा है। डेविल कहती है उसे अब अपनी लाइफ से यूज्ड टू हो जाना चाहिए, क्योंकि उसी ने सक्सेस विश की थी। अब कुछ चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट डे माइक जाबिस से मिलने आता है। माइक पहले से बहुत कमजोर और पेल नजर आता है। माइक जाबिस को कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाला होता है कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो जाबिस की टेबल पर वॉमिट कर देता है। माइक के इस एक्ट की वजह से बजाय उसकी सिचुएशन समझने के, जाबिस उसे इंसल्ट करते वहाँ से निकाल देता है। लेकिन उसके जाने के बाद जाबिस खुद भी बहुत बुरा फील करता है। कुछ दिनों बाद उसे अपनी फ्रेंड मॉली की कॉल आती है कि माइक की डेथ हो गई है। उस शाम जाबिस को एक अवार्ड सेरेमनी पर जाना होता है। जाबिस जानता है कि वो और उसकी राइटिंग ये अवार्ड डिजर्व नहीं करते, ना ही लिटरेरी कम्युनिटी उसे इस अवार्ड के काबिल समझती है। उन्हें जाबिस पसंद नहीं होता। वो अपने गिर्द लोगों की रिस्पेक्ट खो चुका है, पर फिर भी जाबिस अवार्ड जीत जाता है। विनिंग स्पीच में वो अपने फ्रेंड माइक का जिक्र करता है, जिसको उसने आज खो दिया है। शुरू से ही वो सबसे पहले अपनी राइटिंग माइक को दिखाया करता था। माइक उसकी गलतियाँ निकालता था, मगर जो जहाँ उसने अच्छा लिखा होता था वहाँ उसकी तारीफ भी होती थी। जाबिस एडमिट करता है कि उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है। उसने माइक से ओपिनियन लेना भी छोड़ दिया था। वो माइक को हर्ट नहीं करना चाहता है, मगर राइटिंग से उसे नुकसान ही पहुँचा। जाबिस इस फंक्शन की वजह से माइक का फ्यूनरल अटेंड नहीं कर पाता। बाद में वो मॉली से एक बार में मिलता है। मॉली उसे माइक के लास्ट डेज के बारे में बताती है और कहती है कि माइक ने बताया तो नहीं तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ था, मगर वो उम्मीद कर रहा था कि सब ठीक हो जाएगा। जाबिस कहता है कि उसने भी यही चाहा था, मगर कर न सका। वो मॉली से शेयर करता है उस दिन क्या हुआ कि वो अपने फ्रेंड को मनी तो ऑफर कर सका, मगर अपना टाइम नहीं। वो अपनी करंट लाइफ से खुश नहीं होता और जानता है कि उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। वो पहले जैसा होना चाहता है। वो डेविल को चीख चीख कर बुलाता है और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाना चाहता है, मगर डेविल उसे अच्छी तरह बता देती है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो जाबिस को उसका पुराना लैपटॉप वापस करती है और उसकी पुरानी और मुश्किल लाइफ
याद दिलाती है। जाबिस अपना पुराना नॉवल पढ़ता है और एक लाइन देखता है कि हैप्पीनेस तक का कोई शॉर्टकट नहीं। जाबिस डेनियल के पास जाता है और मुश्किल से उसे एडवाइस लेने के लिए टाइम निकालने का कहता है। डेनियल उसे अपने ऑफिस ले आता है। जाबिस डेनियल को अपनी पुरानी बुक की मैन्युस्क्रिप्ट देकर पढ़ने के लिए कहता है ताकि वो उसको पढ़ के जाबिस की राइटिंग एनालाइज कर सके। जाबिस बताता है कि ये उसने डेविल से मिलने से पहले लिखी थी जब कोई उसे नहीं जानता था, और डेनियल उसकी बात समझ जाता है। जाबिस पूछता है कि उसके ऑफिस में डिस्प्ले टेल उस डेविल की है ना, और डेनियल हाँ कहता है। डेनियल पूछता है कि क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हो। डेनियल और डेविल पुराने अपोनेंट्स हैं और डेनियल काफी बार डेविल को हरा चुका है। वो जाबिस की हेल्प करने के लिए मान जाता है। एक अदर वर्ल्डी ट्रायल रखा जाता है जिसमें डेनियल जाबिस का लॉयर बनता है। डेनियल उसे डिफेंड करता है कि डेविल ने उसे ऐसे टाइम पर अप्रोच किया जब जाबिस बहुत मुश्किल में फंसा हुआ था, उसको मैनिपुलेट किया, उसे शॉर्टकट ऑफर किए जो उस मुश्किल वक्त में उसकी थिंकिंग को धुंधला कर गए, और जाबिस डेविल के ट्रैप में फंस गया। डेविल कहती है कि जाबिस ने इस कॉन्ट्रैक्ट से भरपूर फायदा उठाया है और सब मजे लेकर अब पे नहीं करना चाहता, जो कि गलत बात है। उसकी सोल अब डेविल की है और जाबिस को अपनी डील पूरी करनी होगी। डेनियल कहता है कि जाबिस चाहता है कि वो अच्छी बुक्स पब्लिश करे जिससे उसे हैप्पीनेस मिले, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के बाद उसकी राइटिंग पहले से भी ज्यादा खराब हो गई, इसीलिए उसे वो नहीं मिला जो उसे प्रॉमिस किया गया था। जाबिस का केस विट्स का मामला है और डेनियल और डेविल में से जो ज्यादा अच्छा बोल पाएगा जीत जाएगा। जाबिस का डिसीज फ्रेंड माइक को भी विटनेस के तौर पर बुलाया जाता है और उससे बात की जाती है। डेनियल कहता है कि ना जाबिस के पास कोई सिग्निफिकेंट अदर है, ना वो अपनी फैमिली से कॉन्टेक्ट में है, और अपने फ्रेंड्स भी खो चुका है। वो बगैर मोहब्बत के जी रहा है और ये एक सक्सेसफुल एग्जिस्टेंस नहीं कहला सकती। ज्यूरी ये डिसीजन लेती है कि कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया जाए और जाबिस ये केस जीत कर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ जाता है। उसे अपना खोया हुआ वक्त मिल जाता है और एंडिंग सीन में वो अपने पुराने अपार्टमेंट में बैठा अपना नॉवेल लिख रहा होता है जब उसका फ्रेंड जूलियस उसे कॉल करता है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।